नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। माइसेल्फ बोझराज पलारिया, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स पटना में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। लगभग 20 से 25 मिनट का सेशन होगा और 20 से 25 मिनट के अंदर आपका स्ट्रेस बिल्कुल भाग जाएगा। अब की बार जो धड़ल्ले से नॉर्थ सेट पार, अब की बार नॉर्थ सेट पार नहीं, धड़ल्ले से नॉर्थ सेट पार, यानी अच्छी रैंक के साथ नॉर्थ सेट पार। साथियों, जैसा कि मैं कोटेशन के साथ हमेशा शुरू करता हूं और इसी कोटेशन के आज शुरुआत करने वाले हैं। साथियों, आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस, फोन कॉल और कंटिन्यूसली आपके जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं पे आज डिस्कस करने वाला हूं। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं और सारे क्वेश्चनों पे बात करूंगा कि सर मेरा माइनस मार्क ही कंट्रोल नहीं हो रहा है, सर मेरा माइंड का जो स्ट्रेस है वो लगातार बढ़ रहा है, मुझे डर लग रहा है, आते हुए क्वेश्चन मेरे से गलत हो रहे हैं, सर इस कम से कम दिनों के अंदर मैं किस प्रकार से अपनी तैयारी करूं। लगातार इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है उनका जवाब मिलने वाला है। शुरुआत इसी कोटेशन के साथ, जो पढ़ाई जो आप कर रहे हैं वो आज आपको बहुत दर्द दे रही है, जो पढ़ाई आप कर रहे हैं वो आज आपको दर्द दे रही है। अगर इस दर्द को झेलते रहे तो ये कल दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी और नॉर्थ सेट में सफलता 100% तय हो जाएगी। तो साथियों, ये कोटेशन बहुत ही शानदार बात बोल रहा है। इस कोटेशन के माध्यम से हम बात करने वाले हैं आपके जो क्वेश्चन पेपर जो आप टीएनसी के साथ लगातार दे रहे हैं, आपके परसेंटेज नहीं बन रहे होंगे। मुझे पता है क्वेश्चन बड़े लेंथी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अप्लाइड क्वेश्चन है, 20+ की एम्स की एक्सपर्ट टीम के द्वारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन का इजाद किया गया है। अगर उन क्वेश्चंस को आप पढ़ते हैं, अगर आप उन क्वेश्चन को लगातार प्रयास करते हैं, सफलता कोई रोक नहीं सकता, 101% सफलता 101% तय हो जाती है। अब बात आती है कि आज आपको वो रुला रहे होंगे, आज वो आपको क्वेश्चन दर्द दे रहे होंगे, सर मेरा मोटिवेशन से बिल्कुल गायब हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस टूटता ही जा रहा है, मेरा 40% से ऊपर स्कोर जा ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, टीएनसी के अंदर इतने परसेंट बना लिए, बहुत है। अगर आपने इतने भी बना लिए, 100% सफलता तय हो रही है आपकी सफलता, क्योंकि आप उन गलत क्वेश्चंस पे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो सही कर दिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आज जो गलत कर रहे हैं वो आगे के जो एग्जाम में वो गलत नहीं होने हैं, क्योंकि आज जो तुम्हें दर्द दे रहा है, आज जो तुम्हें आपको दर्द मिल रहा है, वो ही दर्द अगर आपने झेलते रहे, आज उस दर्द को आपने झेल लिया तो कल का दिन जो आने वाला है, सुभान अल्लाह होने वाला है, मजा आने वाला है, आपके लिए खुशियों की सौगात लेके आने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पैटर्न्स हैं बहुत ही सोच समझ के बनाए जा रहे हैं, बड़ी टैलेंटेड टीम के साथ क्रिएट किए जा रहे हैं। साथियों, अब आती है कि बात जो आपके क्वेश्चन है उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आपके लगातार फोन कॉल आ रहे हैं कि सर इस समय हमें करना क्या चाहिए, और हम इस समय में हमारा जो मोटिवेशन से हम उसको किस प्रकार बरकरार रखें। सबसे बड़ी बात करेंगे, सबसे पहले पॉइंट पे बात करेंगे और इस पॉइंट का नंबर होगा, मैं यहां से लिख लिख के बताऊंगा, कोई स्लाइड्स नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, हर एक टॉपिक पे हम बात करेंगे, हमें क्या करना है, हमें किस प्रकार से इस क्राइसिस मैनेजमेंट को झेलना है, या जो क्राइसिस सिचुएशन आ चुकी है किस प्रकार से इसका इंटरवेंशन करना है, किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है, किस प्रकार से सफलता लेनी है, वो बिल्कुल ही चंद मिनटों के अंदर आपके सामने पेश होने वाले हैं। और मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर आपने इस समय उसको इसी प्रकार से जो मैं बता रहा हूं, अगर इसी प्रकार से आपने किया तो आपका सिलेक्शन 101% तय है और आप अच्छी रैंक के साथ सफल होने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे साथियों के फोन कॉल आते हैं, मेरे से इंडिविजुअली बात करना चाहते हैं, सर से आप इंडिविजुअली बात करना, आप इंडिविजुअली हमें कंसर्न कीजिए, आप इंडिविजुअली हमें कोचिंग दीजिए, हमें पर्सनल सलाह दीजिए। मैं सारे बच्चों को, यानी लगभग जो 4,000 से 5,000 बच्चे के जो एग्जाम जिन्होंने प्लान परचेस किए हुए, उन सारे बच्चों को मैं एक साथ, हर बच्चे के साथ इंटरेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। साथियों, सबसे आपको सोचना है कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है।
हमारा इंपॉर्टेंस ये कि हम नॉर्थ स्टेट को सफल करें। नॉर्थ स्टेट के अंदर हम लोग सीधा लगाए सिक्स और हमारा सिक्स सीधा स्टेडियम से बाहर और हम विनर। ये आपका लक्ष्य है। इस लक्ष्य को भेजने के लिए आपको करने क्या होंगे? सबसे पहला आपका कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आपको सब बोलेंगे पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने से आपका लक्ष्य पार। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो मेरा तीसरा या चौथा पॉइंट होगा। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा उसमें बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपकी अपनी हेल्थ है, आपकी अपनी हेल्थ है। अगर आपने इस पे ही ध्यान नहीं दिया तो कुछ नहीं भैया, खत्म खत्म, पूरा खेल खत्म। कई बच्चे ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में। अरे किस बात की स्ट्रेस, क्यों स्ट्रेस, किस बात का स्ट्रेस ले रहे हो भाई? क्योंकि पेपर कोई यहां से अमेरिका से नहीं आ रहा है, यहां की फैकल्टी बना रही है, इंडिया के लोग बना रहे, मेरे जैसे लोग बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो वैसे ही बना रहे, रोजाना बना रहे, मेरे इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस वाली टीम भी बना रही, हो सकता है कम वाली बना रही हो। डरने की 1% जरूरत नहीं है। पेपर बिल्कुल वही आएगा जो आप पढ़ रहे, पेपर वहीं से आएगा जो आप पढ़ रहे। बात है सिर्फ एंड सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस की, आप कितना कॉन्फिडेंट रहते हैं, आप कितना स्ट्रेस को झेल पाते हैं, आपकी जो स्ट्रेस आपके माइंड के अंदर आ रहा है उसको आप कितना मैनेज कर पाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। अरे भाई होगा कि नहीं, ये नई वर्ड कहां से आया, क्यों आया, ऐसा माइंड को डाइवर्ट करते ही क्यों? होगा ही होगा, होगा ही होगा, ऐसा नई वर्ड तो पॉसिबल ही नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्यों मैं पढ़ नहीं रहा हूं, सारी चीजें कर रहा हूं, होगा 101% होगा, और टीएनसी के साथ है तो 101% होगा, क्योंकि आपको एम्स की 20+ एक्सपर्ट्स टीम आपको तैयारी करवा रही है। पहला चीज अपनी हेल्थ पे ध्यान दे, प्रॉपर स्लीप ले, प्रॉपर डाइट ले, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर अपना जो डेली रूटीन है उसको ध्यान में रखते हुए चले। ऐसा है कि काफी बच्चे, सर मैं लगभग 5 से 7 घंटे पढ़ रहा था, अब 10 घंटे हो गए, ठीक है, इट्स ओके, आपने एग्जाम आ गया, बढ़ा लिए, बहुत अच्छी बात है। आप ये सोचे कि मैं 18 घंटे पढ़ना शुरू कर दूं, अरे 22 जो 24 घंटे उसमें से 18 घंटे पढ़ रहे हो, इतना पढ़ोगे तो माइंड का ये ब्लास्ट हो जाएगा, पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, जो याद है वो भी निकल जाएगा, जो याद है वो भी निकल जाएगा। इसलिए आपको प्रॉपर जो स्लीप है वो लेनी ही लेनी है। टाइम पे उठना है, टाइम पे खाना खाना है, टाइम पे एक्सरसाइज करनी है, और टाइम पे सोना है, बिल्कुल सोना है, बिल्कुल आराम से रेस्ट करना है, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ये कोई बड़ा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, नॉर्थ सेट है, आराम से पार हो जाएगा, आराम से पार हो जाएगा, इतना बड़ा डिफिकल्ट नहीं आना है। जो आना है वो टीएनसी टीम आपके साथ लगातार चल रही है और उसी में से ही आना है। आप अपना प्रयास भरपूर रखें, कंटिन्यूशन में रखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि सर हाँ अब तो सर ने बता दिया है तो हम नींद आराम से लेंगे, इतनी भी नींद नहीं कि भाई बोला तो एक प्रॉपर तरीके से लेकिन आराम से सो जाए, पढ़े ही नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। ऐसा करना है कि बैलेंस रखना है, एक स्लीप जो 5 से 6 घंटे की स्लीप है उसको पूरा करना ही करना है, अपने आप को बीमार नहीं करना है। अभी सबसे ज्यादा सीजनेबल जो बीमारियां चल रही है, जैसे कि राजस्थान में डेंगू चल रहा है, बहुत ही ज्यादा तेज गति से फैल रहा है। अरे सोचो, थोड़ा सा सोचो, अगर आप इतना पढ़ लिए, आपने एक साल मेहनत कर ली और उसी दिन 5 दिन पहले आपको डेंगू हो जाए या आप उसी दिन बीमार हो जाओ, अरे क्या करोगे, बड़े डिस्ट्रेस में चले जाओगे? नहीं करना। कुछ चीजें ऐसी है जो अनहोनी हो सकती है, हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अपने आप को मैनेज करना बहुत जरूरी है, अपने आप को इस समय में स्ट्रेस को मैनेज करना वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम बिल्कुल इजी आने वाला है, कोई स्ट्रेस लेना नहीं है, आराम से चलना है। दूसरी बात पे हम बात करते कि सर ये तो हमारी हेल्थ से रिलेटेड आपने बात की, चलो इसको हमने मैनेज कर लिया, अब हम बात करते हैं कि सर दूसरी बात क्या होनी चाहिए। आपको अभी नो सोशल मीडिया, सोशल मीडिया को बिल्कुल अवॉइड करें, इस समय सोशल मीडिया को बिल्कुल ही अवॉइड करें, सिर्फ एंड सिर्फ एक ही मीडिया का यूज करें, वो है एजुकेशनल मीडिया। आप सोशल मीडिया को बिल्कुल अवॉइड कर दें, सिर्फ एंड सिर्फ एजुकेशनल मीडिया पे ध्यान दें। आप जैसे कि व्हाट्सएप पे इतना ही ध्यान दें कि आपको इंपॉर्टेंट मैसेज क्या मिल रहा है, इतना ही ध्यान दें। ऐसा नहीं कि हाँ सोना बाबू क्या कर रहा है, हाँ सोना बाबी जो भी है वो क्या कर रही है, ऐसा मैसेज अभी कुछ दिनों के लिए GF BF जो भी है थोड़े दिनों के लिए त्याग दे, थोड़े दिनों के लिए बोले तुम भी पढ़ाई कर, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूं, क्योंकि अभी कुछ दिनों के लिए ये जरूरी है, एजुकेशनल मीडिया जरूरी है। जरूरी है कि आप अपना फोकस
सिर्फ एंड सिर्फ एजुकेशन पे रखें। बातें बाद में भी हो सकती है, फेसबुक बाद में भी चला जा सकता है, इंस्टाग्राम बाद में भी रन किया जा सकता है, यूट्यूब पे मूवी बाद में भी देखी जा सकती है, ये सारे के सारे काम आप बाद में भी कर सकते हैं। सिर्फ एंड सिर्फ अभी एजुकेशनल मीडिया पे ध्यान दें, अपना एजुकेशन से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो सिर्फ फोन में देखें, उसके अलावा कोई भी काम वहां पे नहीं करें। अब मैं एक बात और इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आप जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए उस पर पूरा भरोसा करते हुए आगे बढ़े, बार बार स्विच ना हो, इससे यहां यहां से वहां वहां से वहां, इस कोचिंग ने क्या डाला उसको देख लेता हूं, इस कोचिंग ने यूट्यूब पे क्या डाला उसको देख लेता, उस कोचिंग ने कुछ डाला उसको देख लेता, उस कोचिंग ने क्या डाला उसको देख लेता हूं। अरे क्या बेवकूफों वाली हरकतें लगा रखी है। अरे व्यूज तो पैसों में देखे बढ़ाए जा सकते हैं, व्यूज हजारों में बढ़ाए जा सकते हैं, मार्केटिंग के हजारों फंडे मिल जाएंगे। उस मार्केटिंग में उनको मार्केट में बिजनेस करना है, उनको पैसे कमाने, वो अपना काम कर रहे हैं तुम अपना काम करो, वो अपना काम कर रहे हैं तुम अपना काम करो। बहुत ही बड़ी बात बोल रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या बोल रहे हैं, इट्स वेरी ट्रू। यहां टीएनसी इसी काम के लिए बनी है, टीएनसी इसी काम के लिए बनी है, आपको हकीकत से वाकिफ करवाए। हम भी बोल सकते हैं कि हाँ भाई YouTube पे आ जाओ, अरे नहीं क्यों YouTube, एक साल YouTube पे क्या मैं आपने पढ़ा नहीं, 10 क्वेश्चन पढ़ोगे एक घंटे के अंदर, वहां पे इतना मोटिवेशन इतना आपको चढ़ा दिया जाएगा, इजी क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, विटामिन्स बिल्कुल इजी क्वेश्चंस, क्या आप पढ़ोगे, अरे नहीं आना ऐसा इजी क्वेश्चन वन लाइनर, ये नोट सेट है, ये कोई मजाक थोड़ी है, आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, नहीं भाई मेहनत कर ले, थोड़ा पढ़ ले, अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस कर ले, इससे अच्छा टेस्ट सीरीज कर ले, 100 क्वेश्चन करेगा, 200 क्वेश्चन करेगा, मेहनत करेगा, रेशनल ढूंढेगा, किताबों के बीच में रहेगा तो नई चीजें सीख जाएगा। भाई अब तेरा वो यूट्यूब वाला जमाना खत्म हो चुका है, बहुत देख लिया तुमने यूट्यूब, बहुत दिन यूट्यूब में लाइव कमेंट मार लिए, बहुत मार लिए, बहुत अच्छी बात है, समय व्यर्थ ना करें, अपना फोकस स्टडी पे रखें, आपने जो बढ़ा है उसी पे भरोसा करें, जो आपने कंटेंट बनाया है उस पे कंटेंट पे भरोसा करें, जो कंटेंट आपको अभी दिया जा रहा है उस पे भरोसा करें, बुकों पे भरोसा करें, जो आपको जो टीचर आपके एजुकेशन के माध्यम से जहां से आपने प्लान परचेस कर रखा उस पे भरोसा करें, आपने कहीं और से भी कोचिंग कर रखी है जहां से आपने नोट्स बना रखे उन पे रिलायबल भरोसा करें, आप बुकों पे भरोसा करें और आगे बढ़ते चले जाएं। यूट्यूब के अभी बहुत सारे लोग फ्रॉग की तरह निकल रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपको लेके आ रहे हैं, डाइवर्ट माइंड को मत कीजिए, समय को बर्बाद मत कीजिए, समय को सही यूटिलाइज कीजिए। आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, तीसरा पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बहुत ही शानदार पॉइंट है। ये समय किस चीज का है, इस समय में हम पढ़े क्या, अरे सर आपने YouTube भी बंद करवा दी, Facebook बंद करवा दी, WhatsApp बंद करवा दी, सारी चीजें बंद करवा दी, अब पढ़े क्या, पढ़ने का तरीका बताता हूं, सबसे ज्यादा MCQ प्रैक्टिस करें। आप अगर 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 आवर्स की हम बात करें कि 10 आवर्स आप पढ़ रहे हैं तो इस 10 आवर्स को किस प्रकार से यूटिलाइज करें, मैं तो बोलूंगा 80%, मैं तो सीधा ही बोलूंगा 80% जो टाइम है वो आप एमसीक्यू पे दें, आप इसका 80% टाइम जो है वो एमसीक्यू पे बिताएं, एमसीक्यू के साथ रहें, एमसीक्यू सॉल्व करें। समय नहीं है थ्योरी पढ़ने का, थ्योरी आपने खूब पढ़ ली, अब थ्योरी पढ़ने का समय खत्म हो चुका है। सर थ्योरी पढ़े ही नहीं, आपने बोल दिया थ्योरी पढ़ने का समय खत्म हो चुका है, क्या थ्योरी पढ़ू ही नहीं, थ्योरी पढ़नी है लेकिन पढ़ने कैसे है उसका भी इंपोर्टेंस ही होनी चाहिए। थ्योरी 20% समय में देना है, अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे थ्योरी के, 8 घंटे एमसीक्यू के, 2 घंटे थ्योरी के, 8 घंटे एमसीक्यू के, और थ्योरी में भी वो चीजें पढ़ते जाओ जो आपको डिफिकल्ट लग रही है, जहां पे आपको रूटीनली चेकअप करना है, रूटीनली आपको रिवाइज करना है, नई चीज पढ़ने की बिल्कुल गलती करना ही नहीं, नई चीज पढ़ने की थ्योरी में गलती करना ही नहीं। अगर ऐसा सोच लिया कि सर मैंने एनक्लेट नहीं पढ़ी है, बिल्कुल नहीं पढ़ी है, कभी टच भी नहीं किए, और मेरे सीनियर ने बोला जिसने एनक्लेक्स पढ़ ली उसका सिलेक्शन हो गया, अरे बेवकूफो मर जाओगे, बिल्कुल मर जाओगे, उल्टे पड़ जाओगे, सिलेक्शन होना ही नहीं है, सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है। जो आपने पढ़ा है वो कितना कंटेस्ट पढ़ा है, मैंने हजारों एग्जाम्पल देखे जिन्होंने सिर्फ एंड सिर्फ पी आर यादव पढ़ के सिलेक्शन ले लिया है, पी आर यादव से सिलेक्शन लिया है,
ऐसे हजारों सिलेक्शन हैं, ऐसे सिलेक्शन में बता सकता हूं जिन्होंने सिर्फ टीएनसी टेस्ट सीरीज करके ले लिए, एक नहीं दो नहीं तीन तीन सिलेक्शन ले लिए सिर्फ टीएनसी टेस्ट सीरीज से ले लिए। तो साथियों सबसे बड़ी जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वो है इंपॉर्टेंट पार्ट में डिस्कस कर रहा हूं, ये वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट पे कंसंट्रेट करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। आप जितने ज्यादा एमसीक्यू सोल्व करेंगे उतने ज्यादा मजबूत होंगे, उतने ज्यादा आपके कंसेप्ट ऑटोमेटिक बिल्ट होंगे। ऐसा है तो क्यों नहीं, ऐसे ऑटोमेटिकली आपके कंसेप्ट बिल्ट हो जाएंगे और आप इस कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को रिट्राइव कर पाएंगे। आप ऐसा नहीं है, आप उन चीजों को पढ़ रहे हैं जो एग्जाम के अंदर पूछी नहीं जा रही है, उसके अंदर थ्योरी के अंदर आप घूम रहे हैं, इससे अच्छा एमसीक्यू करेंगे क्योंकि आपके साथ एक्सपर्ट्स की टीम है। हो सकता है आपने कोई बुक रेफर कर रही है, उसी ने बड़ा सोच समझ के एमसीक्यू बनाया होगा, वो चीजें मिल रही है, उन एमसीक्यू पे ध्यान दें। जितने ज्यादा एमसीक्यू उतनी ज्यादा प्रैक्टिस मजबूत, उतना ज्यादा आपका आपके मार्क्स इंक्रीज। आपने जिस क्वेश्चन को, या मान लो कई बार ऐसा होता है कि सीधा क्वेश्चन एग्जाम में टपक जाता है, मान लो कि आपको उसका कंसेप्ट भी नहीं पता, मैं तो बोल रहा हूं उसका कंसेप्ट भी नहीं पता, और आपने उस 80% समय में उस एमसीक्यू को देखा है, उस एमसीक्यू को आपने पढ़ा है, उसका आंसर आपको पता है, लेकिन उसमें आपने पता ही नहीं कि आंसर आया कैसे। मान लो आपके पास समय नहीं था, आपका कंसेप्ट समझ में नहीं आया, हो सकता है, कई बार होता है, बहुत बार होता है, लेकिन एग्जाम में वही क्वेश्चन आ गया, अरे आपका एक नंबर बढ़ गया। इसे बोलते हैं ट्रिक्स। सफलता की बहुत सारी ट्रिक्स है। आप समय को थ्योरी के अंदर देना चाहिए, लेकिन वो समय गया। अब समय है इस एमसीक्यू पार्ट का, इस एमसीक्यू पार्ट पे फोकस करें। अब हम बात करते हैं कि सर एमसीक्यू को भी हम किस प्रकार से पढ़े। अरे हमने तो बुक पूरी पढ़ डाली, पीआर यादव उठा रखी है, हमने तो पीआर यादव पढ़ रखी है, एनक्लेस के एमसीक्यू कर रखे, और टीएनसी के एमसीक्यू में डेली दे रहा हूं, मेरा बहुत सारा अच्छा स्कोर चल रहा है। अरे उसको भी करने का तरीका है, उसको किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से समय की बचत की जाती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे किस प्रकार से एमसीक्यू करना है, जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा और इस एग्जाम्पल के साथ हम चलेंगे। बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है और इस बहुत ही बड़े एग्जाम्पल के साथ हम लोग आगे चलेंगे। जैसा कि ये हमारी बुक है, मैं इस बुक को मान लेता हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने का तरीका भी आना ही चाहिए। जैसा कि आपने ये बुक पढ़ी है, पीआर यादव हो सकती है, एनक्लेस हो सकती है, टीएनसी की टेस्ट सीरीज हो सकती है, जिसने ये तीनों भी पढ़ ली उसका बेड़ा पार, इंडिया का कोई एग्जाम नहीं रोक सकता। अगर मैं बोला टीएनसी की टेस्ट सीरीज, पीआर यादव और ये एनक्लेस पढ़ ली, तो आप तो टॉप रैंकर बन जाओगे। मोस्ट ऑफ चीजें हैं, अगर आपने ये दो तीन चीजों में से कोई भी अच्छे से फॉलो कर ली, आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट उन तीनों चीजों में दे रखा है, मिश्रण है। पीआर यादव चलो बेसिक बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, मैं बहुत अच्छी बुक मानता हूं उसको, आप जरूर उसको पढ़ना चाहिए। अभी समय अगर आपने नहीं भी पढ़ रखी है तो अब टच मत करना। कई बच्चे बोले कि सर मैंने तो टारगेट हाई पढ़ रखी है, अब मैं पीआर यादव तो मैंने पढ़ी नहीं, आपने तो डरा दिया, टेंशन दे दी। कोई बात नहीं पढ़ रखी है तो पीआर यादव को रख दे साइड में, टारगेट हाई पढ़ ले, कोई बात नहीं पढ़ उसको, लेकिन उसी को ही पढ़, जो पढ़ रखी है उसी को ही पढ़, बार बार बुक चेंज ना कर, उसी बुक पे फोकस कर जो तुमने पहले पढ़ रखी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि कैसे, किस बुकों को कैसे पढ़ना चाहिए, टेस्ट टीएनसी की टेस्ट सीरीज को कैसे सोल्व करना चाहिए, किस प्रकार से सर मैं पढ़ू तो मेरा आउटकम आने का तरीका शुरुआत टीएनसी की टेस्ट सीरीज से करता हूं, क्योंकि हम इसी प्लेटफॉर्म पे आप ये वीडियो सुन रहे हैं। आप जिस प्रकार से, जैसे नोट सेट वन का आप पेपर दे रहे हैं, और उस नोट सेट वन में आपने पेपर दिया, पेपर देने के बाद जो ही पेपर को सबमिट किया, सबमिट करने के बाद आपके 65% बन गए, 65 माइनस करके 65 बन गए, यानी आपने अगर कैसे भी किया 160 क्वेश्चन आपके सही है, 40 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। एग्जाम्पल दे रहा हूं, बिल्कुल एकदम करेक्ट आता मत मान लेना, लेकिन आप एग्जाम्पल ऐसे मान लेना कि 40 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, आप इन 40 क्वेश्चन का क्या करूं, लिखने बैठ जाऊं, अरे लिखने बैठ गए, समय नहीं है भाई, समय की कदर जिसने की, सही समय पे सही डिसीजन, सही निर्णय, सही गाइडर अगर आपके साथ है तो आपका सिलेक्शन इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, और वो सारी चीजें आपके साथ टीएनसी के साथ अवेलेबल है। अगर हम बात करें नोट सेट वन आप पेपर दे रहे हैं, आपने इन 40 क्वेश्चंस को गलत कर दिए, कोई बात नहीं, हो गए,
यहां पे गलत हुए, इस प्लेटफॉर्म पे गलत हुए, गलत तो हुए। अब आपको इन 40 क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करने की बारी है। उन 160 क्वेश्चंस को तो आपने पढ़ रखे, आपका कंसेप्ट वहां पे क्लियर है। 40 पे गलती हुई है, उन 40 पे काम करना है। उस 40 पे किस प्रकार से काम करना है, जैसा कि आपको एक पेपर डालना है, आपको इस प्रकार से एक कॉपी डालनी है और उस कॉपी के अंदर एक पेज पे इस प्रकार से एक कॉलम बना लेना है। उस कॉलम पे लिखना है कि मेरा पहला कुछ पेपर नोट सेट वन मैंने क्लियर किया, नोट सेट वन को मैंने क्लियर किया तो मेरे क्वेश्चन कौन कौन से गलत हुए, जैसा कि 5वां क्वेश्चन गलत हुआ, 9वां गलत हुआ, 15वां गलत हुआ, 25वां गलत हुआ, 30वां गलत हुआ और कौन कौन से गलत हुए, उसको आप लिखते रहो। उनको लिख लिया, नंबरिंग लिखिए, सिर्फ एंड सिर्फ नंबरिंग लिखिए। और मैं आपको बता देता हूं, एप के अंदर एक फीचर्स भी है जहां पे जाके आप अलग से एक लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं, अलग से जाके एक लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं। जो ही आप प्रैक्टिस में करेंगे तो आपको एक सेव्ड का बटन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करते हैं तो बाहर होम पेज में भी दे रखा है सेव्ड बटन, वो क्वेश्चन वहां से सीधा रिट्राइव होके वहां पे आपको बाहर में एक लाइब्रेरी दिखा देगा। तो यहाँ पे आप सेग्रीगेशन भी कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, आपने इस प्रकार से लिख लिया, लिख लिया, बहुत अच्छा किया। अब आपने इन क्वेश्चनों को पढ़ लिया, आपको आंसर भी समझ में आ गया कि हाँ भाई मैंने गलती कहां की, किस प्रकार से गलती हुई, आगे से गलती नहीं करूंगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया, छक्का मारूंगा, सीधा सिक्स मारूंगा, यहां पे गलती नहीं करूंगा। चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड। अब हमारा दूसरा, उसमें हमने 7वें में 15वें में जो भी है आपने ऐसे ऐसे लिख लिया, इस प्रकार से आपने एक डायरी बना ली, यानी आप 65 एग्जाम का कंक्लूजन लेके आ रहे हैं। लास्ट के फाइव डेज बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, उस 5 डेज के अंदर यही क्वेश्चंस आपका फ्यूचर डिसाइड कर देंगे। इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार जरूर 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 प्रैक्टिस करके जाना है, उनको वापस एक बार देख के जाना है। मैं तो ये बोलता हूं कि जितनी भी सीरीज कर रहे हो एक बार प्रैक्टिस कर लो, और बेड़ा पार, और बेड़ा पार। इन क्वेश्चनों को ऐसे दिमाग में घुसा के जाओ कि इनसे बार कुछ नहीं, इनसे बार कुछ नहीं। बहुत ही शानदार ट्रिक्स दी है, इस प्रकार से आपको टीएनसी की टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। आगे चलते हैं कि सर आपने टेस्ट सीरीज तो बता दी, अब थोड़ा बुक के बारे में बता दो कि बुक में हम कैसे पढ़े, कि टेस्ट सीरीज तो हम दिन भर में देते नहीं है, सब दिन तो टेस्ट सीरीज देते नहीं है। 2 समय एग्जाम होता है, उस समय हम एग्जाम देते हैं, उसके बाद हमारा जो गलत होता है हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हमने आपने जिस तरीके से बताया उस तरीके से लिख लिया, हमारा कंसेप्ट मजबूत हो गया। अब हम थोड़ा बुक पे भी चल लेते हैं, क्योंकि आपने 80% जो समय एमसीक्यू पे दे दिया। एमसीक्यू पे चलने पे अब क्या करना है, कोई भी बुक पढ़ रहे होंगे उसमें आपने 101% जिस क्वेश्चन को आपने गलत किया है उस क्वेश्चन को आपने माइनस ऐसे गोला जरूर किया होगा, इस क्वेश्चन को गोला जरूर किया होगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको आपने इस प्रकार से गोले जरूर किए होंगे। आगे नहीं भी किए हैं, अगर आप बुक पढ़ भी रहे तो इस प्रकार से गोले जरूर लगा ले। ये गोले बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, ये इस गोले इस जीरो से हीरो निकलेगा, इस जीरो से हीरो निकलेगा, क्योंकि ये जीरो है, गोले है, इस गोले से हीरो निकलने वाला है, इस गोले से गोल्डन निकलने वाला है, सोना निकलने वाला है, सोना। इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आज आप उस क्वेश्चन को देखें गलत हो गया, फिर आपने उसका रेशनल पढ़ा, आपके दिमाग में क्लिक मार गया ये क्वेश्चन मेरा सही हो गया, राउंड मार दीजिए, तुमने मुझे परेशान किया, तुम्हारे ऊपर राउंड का मार्क्स। चलो कोई बात नहीं, पहला 5वां क्वेश्चन गलत, पीआर यादव पढ़ रहे हैं, मैं एग्जांपल पीआर यादव का लेता हूं। 5वां क्वेश्चन गलत, कोई बात नहीं, शुरुआत की है। 25वां गलत, ले भाई 25वां तू भी आ जा। अगला पढ़ा 40वां गलत, तू भी आ जा, कोई बात नहीं। 50वां पढ़ा, 51वां गलत हुआ, चल भाई तू भी आ जा। इस प्रकार से आपने एक सेग्रीगेशन मेथड को यूज किया। आपने जो बुक पढ़ी है उसमें से लगभग आपके, मैं जानता हूं 80% क्वेश्चन आपको आते हैं, 80% नर्सिंग के क्वेश्चन हर बच्चा जानता है, हर बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसको आता है, सिर्फ एंड सिर्फ मात खाता है तो उन 20% क्वेश्चन जो उसको नहीं आता है, उस 20% क्वेश्चन के अंदर अपना पूरा का पूरा वो मात खा जाता है, और उन 20% के अंदर में से क्वेश्चन रिलीज होके बाहर आ जाता है तो वो धोखा खा जाता है, और उस धोखे के साथ उसके साथ और धोखा हो जाता है। यहां पे ये ध्यान रखना है, इन्हीं पे ज्यादा फोकस करना है, जो गलतियां हो रही है उस गलतियों को सुधारने पे फोकस करना है। इस प्रकार से आप जो राउंड राउंड करते जाओगे, लास्ट के 5 डेज के अंदर आपको इन्हीं पे कमांड करना है,
आपको इन्हीं पे कमांड करना है, ये कमांड आपको बहुत ज्यादा मजबूत बना देगी, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस के साथ आगे की ओर लेके आ जाएगी। आप अपना सिलेक्शन 101% फिक्स हो जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। इस ट्रिक्स के साथ हजारों बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। ये बहुत ही बड़ी ट्रिक्स है, आपको टीएनसी के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। साथियों एक बात मेरे पास बहुत सारे बच्चों के फोन खुला रहे, सर मेरे माइनस मार्किंग बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अरे माइनस मार्किंग बहुत ज्यादा हो रहे तो इसको सुधार भाई, अभी तुम्हें पता लग गया है कि माइनस मार्किंग हो रहे हैं। एग्जाम के अंदर पता लगता तो क्या होता, एग्जाम के बाद पता लगता तो क्या होता, अरे धोखा हो जाता। सिर्फ एक ही नोट सेट होता है एक साल में, यहां तो 65 नोट सेट हो रहा है, यहां टीएनसी के साथ 65 नोट सेट, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। एक बार गलती की सुधारी, दूसरी बार की सुधारी, तीसरी बार की फिर से सुधारी, अरे 65 गलती करने के बाद 66 में तो सही, एकदम 6 लगना चाहिए। आपको यहां पे याद रखना है, बार बार गलती को दोहराना नहीं है, अपने खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट है ये। यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है, हर पेपर को नोट सेट का पेपर ही समझ के दें। कई बच्चे खाना बना रहे हैं, बैचलर होते हैं, चलो सर टीएनसी का पेपर स्टार्ट करते, पढ़ रहे, खाना बना रहा, दे रहा हूं खाना बना रहा हूं। अरे तुम्हारा खाना बना देगा नोट सेट, तुम्हारा बना देगा खाना। पेपर दे रहे हो तो कंसंट्रेशन के साथ दो, वरना दो ही मत, वरना दो ही मत, कोई फायदा नहीं है। पेपर देना है नोट सेट का समझ के देना है। कई बच्चे और एक गलती करते हैं, चलो बड़े कुछ कुछ कॉन्फिडेंट भी होते हैं, कुछ ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट ऐसे होते हैं कि सर मैं तो एक घंटे में पेपर खत्म करता हूं, बहुत ही मुझे फास्ट आता है, मैं तो सल्टा देता हूं इस पेपर को एक घंटे में। अरे सल्टा रहा है क्या, कर रहा है, रो रहा है, रोएगा वहां नोट सेट एक घंटे में सल्टा के आना देखता हूं भाई, बहुत बड़ी गलती है। तुमने एक बार उसको रिविजाइज कर ले, कौन सा छोड़ा है, क्या किया है, उसको एक बार देख ले, वापस देख, वापस प्रैक्टिस कर। टाइम दिया है, पेपर बनाने वाला बेवकूफ तो नहीं है, अच्छे से बनाया है, 3 घंटे का समय दिया है आपको, उस समय बड़ी कंसंट्रेशन के साथ एक बार वापस रीबेक जाके जो आपने छोड़े उन पे भी ध्यान दे लो, परसेंटेज बढ़ा लो। यहीं से आएगी ट्रिक्स, यहीं से होगा प्रैक्टिस, यहीं से शुरू होगा रण, आप 100% सफल होंगे। यही ये एक बहुत बड़ा नोट सेट का मेरा एक्सपीरियंस है, 20+ की एक्सपीरियंस टीम आपके साथ इस बड़े डिस्कशन के बाद में ये वीडियो आपको दे रहा हूं। ये मैं अकेला नहीं, ये 20+ की एक्सपर्ट टीम के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो टॉपर्स हैं, जो ऑल इंडिया टॉपर्स हैं, उनके एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। आप सोच रहे होंगे, रोजाना देख रहे होंगे, रोजाना आपके पास एक लिस्ट आ रही होगी, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज मिल रहा होगा, टेलीग्राम पे भी एक आपको मैसेज मिल रहा होगा, उस टेलीग्राम के ग्रुप में भी, और बहुत सारे लोग जो टेलीग्राम यूज नहीं कर रहे हैं उनको व्हाट्सएप पे भी एक ब्रॉडकास्ट के थ्रू मैसेज जा रहे हैं। बहुत सारी ब्रॉडकास्ट है आपको, बहुत सारे एक पूरा मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के थ्रू आपके पास मैसेज पहुंच रहे हैं। अगर आपके पास नहीं पहुंचा तो फटाफट से टीएनसी के नंबरों पर मैसेज करें, टीएनसी के नंबर आपको पता ही है 7484-7484-9951। इस नंबर को अपने मोबाइल में जरूर जरूर सेव करें, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तुरंत मैसेज करें। टीएनसी की टीम मजबूत है, आपको रिप्लाई करने की, कई बार होता है नहीं भी होता है, समय की कमी है, कई बार हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो ऐसा नहीं कि हाँ सर ने रिप्लाई नहीं किया मैं वापस के मैसेज करूँ, अरे कीजिए, क्या दिक्कत है भाई, एक मैसेज टाइप करने में क्या दिक्कत है, कर लीजिए। आपके जो डाउटेबल क्वेश्चन है उसको भी भेज दीजिए, कोई बात नहीं, हम लोग वीडियो बना के उसको पुट करने की कोशिश करेंगे। आपका इस समय बहुत ही कंसंट्रेट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आप मेहनत कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात, लेकिन सही डायरेक्शन में करना जरूरी है। इस प्रकार से जो मैंने बताया है उन पॉइंटों पे आपको डिस्कशन रखना है, जैसा कि आपने ये गोले वाली प्रैक्टिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, और इस प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ना है। ये छोटा सा सेशन मैंने, हो सकता है मेरे बोलते बोलते बड़ा भी हो गया, आपने अपना समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा, क्योंकि ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात हो रही थी माइनस मार्किंग की, कि सर माइनस मार्किंग को मैं कैसे कंट्रोल करूं, माइनस मार्किंग को कंट्रोल करने का छोटा सा एक ट्रिक्स बता देता हूं, और बहुत ही शानदार ट्रिक्स होने वाला है। इस ट्रिक्स के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो शायद आपका बेड़ा पार है। अब कई बच्चों के एक क्वेश्चन और भी आते हैं कि सर नोट सेट पे कितने क्वेश्चन करके आऊं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए।
अरे भाई ये यार डिटरमाइन नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। पेपर टफ आ गया, पेपर इजी भी आ गया, कोई लेवल नहीं होता वहां पे। आपका खुद का जो सिक्स सेंस है वो कैसे काम करना चाहिए वो भी बता दूंगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। पहली बात, पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा, कोई भी क्वेश्चन पढ़ा और हमें वहां पे सीधा सीधा हमें आंसर आ रहा है, हमें पता है कि इसका आंसर सही है, देन तो आपने इसको टिक ही मारोगे। आपने पहले ऑप्शन, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ना है। गलती क्या करते हैं, गलती हमसे होती है, सबसे होती है, और आप भी इसी गलती को कर रहे हैं। क्वेश्चंस में आपने देखा नहीं ईसीजी लिखा है या ईईजी, ईसीजी लिखा है या ईईजी। कई बार इतना छोटा क्वेश्चन होता है कि हम लोग ईईजी को ही ईसीजी पढ़ लेते हैं। अरे वो ईईजी के बारे में पूछ रहे हैं, आप जवाब पूछ लो, सीधा क्वेश्चन है, ईईजी में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं। अरे आपने देखा और ना सुना, कुछ सोचा ना समझा, अरे मैं तो हीरो हूं यार, मैंने तो पढ़ रखा है, बहुत आता है मुझे ये ईसीजी, ईसीजी आती है क्या, ईसीजी है क्या चीज। अरे पढ़ ढंग से, ईईजी लिखा है, क्या पढ़ रहे हो तुम। अरे पढ़ो उसको अच्छे से, क्वेश्चन को पढ़ना सीखे। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा, पूरा पढ़े, एक टर्म पढ़ के उसको डिटरमाइन नहीं करें, एक टर्म पढ़ के डिटरमाइन नहीं करें, पूरे क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से पढ़े। उसके बाद क्वेश्चंस के अंदर आपको ऐसे ऐसे वर्ड देखने को मिलेंगे, एक्सेप्ट, एटलीस्ट, ऐसे ऐसे वर्ड मिलेंगे जो कि आपकी धज्जियां उड़ा देंगे। ये क्वेश्चन धज्जियां उड़ाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस आपको बेवकूफ बनाने के लिए डाले जाते हैं। एग्जामिनर आपको चेक कर रहा है कितने कंसंट्रेटिव है, कितना माइंड आपका दौड़ रहा है। और याद रखें, एग्जामिनर आपको एक छोटा सा छोटा क्वेश्चन आपको अगर दे रहा है तो ऐसे नहीं समझे कि वो आपको इजी क्वेश्चन, पेपर इजी आ गया सर पेपर, अरे वो पेपर इजी नहीं है, पेपर इजी नहीं है। एग्जामिनर हमेशा जब भी पेपर बनाता है उसके माइंड में एक ही थिंक चलती है, मैं बच्चे को किस प्रकार से इस क्वेश्चन को गलत करवाऊं। क्या बोले, आपका टारगेट है मैं किस प्रकार से सही करूं, और हमारा टारगेट यह है कि हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपसे गलत करवाएं, आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछें कि आप उसमें चौंक जाएं, आप उसमें घूम जाएं। एग्जामिनर ऐसा ही करता है, एग्जामिनर यही सोचता है कि आपको घुमाऊं। इजी क्वेश्चन कोई नहीं होता, हर क्वेश्चन एक मार्क्स का होता है, इसलिए इजी किसी को ना समझे। दूसरी बात, हमने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया, चलो बहुत ही अच्छी बात, ऑप्शन को पढ़ लेते, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्होंने अच्छी मेहनत कर रखी, सीधा आंसर निकाल लिया। सर सीधा आंसर निकाल लिया तो फिर क्या दिक्कत थी क्या, आपका आंसर बी सही है तो फिर दिक्कत थी क्या, क्योंकि आपने तो निकाल लिया, चलो भाई ठीक है। कई आंसर होते हैं बहुत ही इजी वन लाइनर, जिसके कंसेप्ट बिल्कुल फिक्स एंड फाइट है, वो हमेशा सही आंसर पे पहुंच जाते हैं। दिक्कत कहाँ आती है, सर दो पे तो सही मार गया, तीसरा अभी बाकी है, तीन और चार में डिफरेंस है, ए और सी तो मुझे पक्का भरोसा है नहीं आता, ये तो हो ही नहीं सकते। अब बात आती है बी और डी में, अब मैं क्या करूं, फंस गया, पूरे फंस गए, पूरे फंस गए। करना क्या है, करना क्या है, करना यह है आपको इन चारों में से एलिमिनेशन टेक्निक आनी चाहिए, एलिमिनेशन टेक्निक सीखनी है, माइनस मार्किंग अगर कंट्रोल करनी है। आपको पता है कि भैया इन चारों ऑप्शन में तो ए हो नहीं सकता, ओके भाई, डी भी नहीं हो सकता, ओके भाई। अब आती है बी एंड सी पे, थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे तो आपका जवाब जरूर निकल आएगा कि भैया मेरा तो बी ही सही है, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें ये कंसेप्ट काम नहीं करता। आप एलिमिनेशन टेक्निक्स पे जाएंगे, 101% माइनस मार्किंग पे कंट्रोल कर पाएंगे। आप जैसे बहुत सारे साथी है, मेरे जैसे साथी, अरे तुक्का मारते हैं ना, तुक्का मारते हैं ना, मेरे तुक्के सही जाते हैं। अरे तुक्के मारने के लिए भी कलाकारी आनी चाहिए, तुक्के मारे जाते हैं लेकिन तुक्के मारने की कलाकारी भी आनी चाहिए। हर जगह तुक्के काम नहीं चलते, ज्यादा तुक्के मरवा सकते हैं, ज्यादा तुक्के मरवा सकते हैं, इसलिए ज्यादा तुक्के नहीं मारना है। जो क्वेश्चंस आपने कभी देखा ही नहीं, जिस क्वेश्चंस को पढ़ा ही नहीं, जिस क्वेश्चंस को आपके 4 साल 5 साल आप तैयारी कर रहे, 4 साल में आपने नर्सिंग की, उसके बाद 1 साल तैयारी की, उसमें भी आपके सामने नहीं आया या आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, क्यों मार रहा है भाई तुक्के,
मत मार, गलती क्यों कर रहा, मत छोड़ दे, कोई बात नहीं, ये नंबर तो नहीं काटेगा। अगर एक गलत किया तो 1.33 पीछे ले जाएगा, और ये 1.33 नहीं है, ये 1.33 नहीं है, ये 13,300 है, 13,300 है। किस प्रकार से? ये भैया 1.33 पीछे चले गए, हजारों की संख्या में नीचे, हजारों की संख्या में नीचे। टॉपर्स में तो और ज्यादा डिफरेंस होता है, कि मान लो कि 2-3% बीच में चलता रहता है, मानता हूं अभी तो बहुत ही कम है, लेकिन नीचे में अगर आप रैंक देखेंगे, अगर आपका सिलेक्शन टॉप बीच में आ रहा है, कहीं बीच में अटक रहे हो, कि एक नंबर दो नंबर से रह रहे हो, तो यही बर्बाद है, यही गलती हो रही है आपसे। इस गलती को जरूर जरूर सुधार ले भाई, बहुत जल्दी सुधार ले, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब बात रही कि हाँ सर, ये सारी चीजें सुधार ली, अब क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, 101% होगा। अरे तुम्हारे साथ टीएनसी की टीम है, तुम्हारे साथ पूरा का पूरा एक कारवा है, और तुम्हारे साथ पूरा का पूरा एकदम बिल्कुल एक्सपर्ट्स की टीम है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो कि आप पहली बार पढ़ रहे, हो सकता है पहली बार पढ़ रहे, कोई बात नहीं, उसको सर्च कर लीजिए, उसके आंसर भी दे रखे, रेस्टोरेंट भी दे रखे, वीडियो भी दे रखे, नहीं है तो पूछ लो, कोई बात नहीं, मैसेज पुट कर दो, हम जवाब देंगे, कोशिश करेंगे, अगर नहीं भी दे रहे तो हम लोग बहुत जल्दी उसका रिप्लाई जरूर करते हैं। अपने खुद से सर्च कर लो कि इसका आंसर ऐसा क्यों हुआ, कंसेप्ट आपके भी बिल्ट है, आपने भी मेहनत की है, बहुत सारी चीजें हैं। आज दर्द हो रहा है, आज दर्द हो रहा है, मुझे पता है आप स्ट्रेस में जी रहे हैं, इस स्ट्रेस को सबसे पहले रिमूव करें। पेपर कहीं से नहीं आने वाला है, टीएनसी से आने वाला है, स्लो बोल रहा हूँ सुनिएगा, टीएनसी से ही आने वाला है, किसी को बताइए मत, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसमें से पेपर बाहर जा ही नहीं सकता, क्वेश्चन आएगा कहाँ से, कहाँ से बनाएगा, उसका माइंड का लेवल उतना ही है जितना हमारा है। अब रही बात इमेज बेस की, सर मेरे इमेज बेस क्वेश्चन नहीं दिखते, अरे भाई कोई बात नहीं, कई बार होता है, हम भी छूट जाते हैं, हमसे भी गलती हो जाती है, डोंट वरी, इमेज बेस के लिए आपके लिए अलग से प्रिपेयर तैयार कर दिया है। इमेज कैसी आएगी, किस प्रकार की आएगी, उस सारी चिंता हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आपको जो पीडीएफ दी जा रही है, कहीं से इमेज दिख रही है, उसको भी आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, लगातार चलते रहें, और सफलता को फिक्स करते रहें। लंबा वीडियो हो सकता है, इसलिए आज के लिए इतना ही, अगली बार मैं नए वीडियो के साथ और नई बातों के साथ आपके साथ अपीयर होऊंगा, तब तक कंटिन्यू हार्ड वर्क, डेडिकेशन और मेहनत के साथ आगे बढ़े, और अपने इस विचार को हमेशा पॉजिटिवनेस के साथ, सिलेक्शन के साथ आगे बढ़ते रहें। आज अगर आपने सोच लिया तो सिलेक्शन तय, अगर आपके दिमाग में यह फिक्स है कि मेरा सिलेक्शन होगा, तो पूरी कायनात आपके साथ है, अगर होगा या नहीं तो नहीं, तो वो नहीं वाला 50-50 डुबा दिया, डूब जाओगे, 50-50 में नहीं रहना है, हमारा सिलेक्शन होगा, इस बार ही होगा। 4,000 जिस प्रकार से भर्ती आ रही है, अभी कुछ एम्स की डिक्लेयर नहीं भी हुई है, वो भी हो जाएगी, और टीएनसी आपके लिए हमेशा मेहनत कर रही है, एक्सपर्ट्स की टीम आपके साथ लगातार रही है, आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, लाइव एग्जाम दें, और लाइव एग्जाम के साथ अपनी रैंक कोशिश करें, बढ़ाने की कोशिश करें, और मैं आपको बोल रहा हूं टीएनसी पे 50% जिसने बना लिया ना, लगातार लगातार एक दिन नहीं, लगातार सिलेक्शन लिख के ले लो, सिलेक्शन लिख के ले लो। यहां पर एक लाइनर क्वेश्चन लाके एक घंटा बकवास नहीं कर सकते, यूट्यूब की वाली बकवास यहां पर नहीं है, कंसेप्ट बेसिस जो एग्जाम में आते हैं उसी पे ही बात की जाती है, उसी पे ही बात की जाएगी, वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, अप्लाइड बेसिस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जामों में, एनक्लेक्स बेसिस ज्यादा आपकी बार रहने वाला है, और ये बहुत ज्यादा जो आपकी बार आप जो जितनी हवा मार्केट के अंदर, आपकी बार तो वैसे यूट्यूबर्स बाहर नहीं निकल रहे, पिछली बार जिस प्रकार से चौंसले की तरफ जोर जोर से बाहर आके चिल्ला रहे थे, वो आपकी बार नहीं है, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पर अपना समय व्यर्थ नहीं करें, आप अपनी किताबों के साथ और टेस्ट सीरीज के साथ समय लगाएं, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और हमारी और आपके परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरते रहें, बिना स्ट्रेस के साथ और बिना किसी टेंशन के साथ, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, आप जो मेहनत कर रहे हैं इस मेहनत से आउटकम 100% आना तय है, 100% आना तय है, सिलेक्शन होना तय है। तो जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।